लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी युवा मोर्चा के नवी मुंबई जिलाध्यक्ष दत्ता गंगाले ने आज नेरुल प्रभाग 111 समेत संपूर्ण सीउड विभाग में खाद्यान्न किट और दिवाली सौगात का वितरण किया। जिला महामंत्री नीलेश मात्रे ने यहाँ सैकड़ों परिवारों को अपने हाथों से खाद्यान्न किट की यह सौगात बांटी। उन्होंने युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दत्ता गंगाले के जनसेवी कार्यक्रमों की सराहना करते हुए नागरिकों को दिवाली की भी शुभकामना दी। वहीं खुद युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दत्ता गंगाले ने कहा कि देश 100 करोड़ टीकाकरण के जरिए इस बार कोरोना से मुक्ति वाली दिवाली मना रहा है। हालांकि आर्थिक तंगी है, ऐसे में खाद्यान्न किट देकर नागरिकों की खुशियों को और बढ़ाने की यह कोशिश है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज भारतीय जनता सीउड मंडळ आणि आमचे धडाडीचे युवा नेते अध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चाचे दत्ता गंगाळे व त्यांचे सौभाग्यवती आणि बाकी इतर सहकाऱ्यांच्या मदतीने आज इथे गरजू महिलांना किंवा गरजू परिवाराला शिदा वाटपाचा हा कार्यक्रम ठेवला दिवाळीच्या निमित्त, त्याबद्दल आमच्या सर्वांची भारतीय जनता पार्टीच्या तर्फे शुभेच्छा। भारत के 100 कोटी लसीकरण लक्ष्य के बाद आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने इस देश के डॉक्टर है, कोविड योद्धा है, साफ सफाई कर्मचारी है, स्वच्छता कर्मचारी है, इनको इसका श्रेय दिया था। उनका सबसे पहले सम्मान इस नवी मुंबई में इस भाजपा ने सीउड मंडल के अंतर्गत किया था। और जो नागरिक है जिन्होंने इस लसीकरण मुहिम में अच्छी तरह से सरकार का साथ दिया, उनके प्रति भी हम उत्तरदायित्व रखते हैं और उनके हेतु हमने आज इस सीधा वाटप का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था। और जो जो गरजवंत लोग हैं, नागरिक है, उनके पास ये सीधा पहुँचना चाहिए। 500 के लगभग हमने ये संख्या में ये यहाँ पर आयोजित किया है। ज़रूरत पड़ने पर इसकी संख्या और भी बढ़ाई जाएगी और जो जो ज़रूरतमंद है उनकी दिवाली अच्छे तरीके से वो मनाए, ऐसी मनोकामना हमारे भाजपा के सभी पदाधिकारी करते हैं और इस दीपावली की सबको शुभकामनाएं देते हैं। सर्वप्रथम मी सर्व नागरिकांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। आपल्याकडून आपण प्रत्येक गरजवंताला हा शिदा वाटप करत आहोत। प्रत्येकापर्यंत ही गरज आपली पोहोचू शकत नाही, परंतु आपण छोटासा खारीचा वाटा म्हणून आज हा उपक्रम पार पाडत आहोत। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।